हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेटा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज हम जो आपका असिस्टेंट कंपाइलर का सिलेबस है उसमें जो आपके एक सेक्शन है मैथ सेक्शन, स्टूडेंट्स आज हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपकी मैथ सेक्शन है उसमें आपको जेकेएसएसबी में कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो उन्होंने दिए हैं और उसमें हमें कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और कौन सा जो टॉपिक है उसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा। वैसे तो आपके जितने भी उन्होंने मैथ्स के सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट फिर भी हमें उन उसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करना है और उसकी जो क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारे कोर्स में जिसमें हम जो अपने मैथ्स का सिलेबस है उसको बड़ी आसानी से खत्म करेंगे और उसके और भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिससे हमें क्या होगा कि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा असिस्टेंट कंपाइलर का मैथ्स का सिलेबस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इसका जो हमारे टोटल टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स वो हमें आने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 6, 7 आपको इसमें टोटल जो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स वो जेके एसएसबी ने पूछे हैं। तो जिसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मेंस्ट्रुएशन। स्टूडेंट्स आप यहाँ बोल रहे होंगे कि मेंस्ट्रुएशन हमें पूछी नहीं है, तो स्टूडेंट्स जो उन्होंने बोला है फर्स्ट ही टॉपिक यहाँ पे उन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, स्फीयर, जितना भी है वो सारा का सारा आपका मेंस्ट्रुएशन में आता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने उसको एक ही टॉपिक में कंक्लूड कर दिया है जिसमें हमारा क्यूब्स भी आ रहे हैं, क्यूबॉइड्स भी आ रहे हैं, कोण भी आ रहा है, सिलेंडर भी आ रहा है, ठीक है। और आपको यहां पे उन्होंने स्फीयर्स के बारे में बोला है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अदर। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका जो एक टॉपिक है ए भी स्टूडेंट्स आपका एक मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक ही है जिसमें आपको सॉलिड के बारे में बताना है, उसके हम उसको अदर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं या इसकी बड़ी सारी इसमें फार्मूलास हैं। तो इसमें और इसकी कुछ उन्होंने मिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में भी सिलेबस में बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमने जो हमारा मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है इसमें हमें अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है और इसमें हमसे जितना हो पाएगा हम उतना इससे जितना डीप में हमारे से हो पाएगा ये मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक जो भी हैं हम इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें हम बिल्कुल जीरो से मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे ताकि आप में से जो बच्चे जिन्होंने पहले का मैथ्स पढ़ा भी नहीं है तो वो भी इस जो टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये आपका 10th क्लास में है, 9th और 10th में, यहाँ पे आपका 10th चैप्टर है, पता नहीं 9th क्लास में। तो यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक्स हैं, बाकी आपके कुछ 10th क्लास में से भी कुछ इसके चैप्टर्स लिए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो हमारा थर्ड है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो है ये हमें स्टार्टिंग में 6th क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे, इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगे और कुछ इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज वगैरह होंगे जिनसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अपने कोर्स में इसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, यहाँ पे मैथ्स के जितने भी हमारे टॉपिक रहेंगे उसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे ताकि आप में से जो बच्चा पहले से जिनने मैथ पढ़ा भी नहीं है, 10th के बाद जिसने अभी मैथ टच भी नहीं किया है वो भी इसको बड़ी आसानी से समझ पाए, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो 4th आता है वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये आपका ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है ये हमें 8th क्लास से लिया गया चैप्टर है ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमें जो चैप्टर है वो हमारे जो हमारे जेके बोस और एनसीईआरटी में से जो 8th क्लास है उसमें से ये चैप्टर उठाया गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे अर्थमेटिक के यहाँ पे दो उन्होंने जो टॉपिक्स है वो उठाए हैं, एक हमारा फर्स्ट उठाया है प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड हमारा उठाया है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें हम पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर उसके कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेसिक उसे फार्मूलाज करेंगे और कुछ उसके बेसिक ट्रिक्स भी करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, तो ये बड़ी सारी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की जो चीज़ें रहेंगी बेसिक लेवल की रहेंगी, कुछ एडवांस लेवल की रहेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको हम अपने कोर्स में बड़े ही डीपली और बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि वही आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें तो उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये 5th इसका पार्ट है वो है आपका लीनियर इक्वलिटीज विद टू वेरिएबल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी ज्योमेट्री पोर्शन का है, ये भी आपका 9th और 10th क्लासेस में से ले गया है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका बहुत ही इजी है, इसमें सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको ज्योमेट्री पोर्शन में, ठीक है। और जो इसका 6th है
बोर्ड मास। तो स्टूडेंट्स बोर्ड मास जब भी हम स्कूल में मैथ्स पढ़ते हैं तो थर्ड क्लास में हमें सबसे पहले सिखाया जाता है बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास इन्होंने दिया है यहाँ पे, तो बोर्ड मास का यहाँ पे आपको सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, जैसे ब्रैकेट, ऑडिशन, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें बोर्ड मास के अंदर आएंगी। इसमें तरीका होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, या सबसे पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कब करेंगे, माइनस कब करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये हमें बोर्ड मास में सीखने को मिलती हैं। अगर हम बोर्ड मास अच्छे से नहीं कर पाते हैं या अगर हमने बोर्ड मास अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हम जो भी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और स्टूडेंट्स वो हमारा क्वेश्चन जो है, जो हमारा फ्री का नंबर रहेगा एग्जाम में बोर्ड मास का, बिल्कुल वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अपने कोर्स में बोर्ड मास जो है आपका स्टूडेंट्स, इसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले बी से पढ़ेंगे, बी से क्या होता है, फिर हम ओ से पढ़ेंगे, ओ से क्या होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप हर चीज को इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट आपका आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट्स आपका, ये 10th क्लास का चैप्टर है, आप सभी को पता होगा ये हमें 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी जो है वो चैप्टर है, लास्ट में चैप्टर है ये हमारा प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो है उन्होंने प्रोबेबिलिटी कुछ बेसिक जो इवेंट टाइप क्वेश्चंस है कि डाइस थ्रोन किए, या कुछ जो भी आपके डाइस के क्वेश्चंस हो गए, या कुछ भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो गए, इवेंट के बेस पे क्वेश्चंस हो गए, तो ये उसके बेस पे आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका जो असिस्टेंट कंपाइलर का सिलेबस है स्टूडेंट्स, वो उस पर आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपके एग्जाम में, जैसे कि आपके उन्होंने आपको असिस्टेंट कंपाइलर का जो सिलेबस है आपका वो है टोटल 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे है टॉपिक 7 टॉपिक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक टॉपिक से हमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब वो JKSSB के ऊपर डिपेंड है कि वो हर एक टॉपिक से 1 क्वेश्चन डालता है या यहाँ पे टोटल मार्क्स है, तो अगर ये हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी डालेंगे तो क्या होगा, तो भी 14 मार्क्स बनेंगे। तो यहाँ पे कोई पता नहीं है कि कौन से टॉपिक से वो कितने मार्क्स डाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने हर एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है और अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है और उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने असिस्टेंट कंपाइलर का जो मैथ्स का सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस किया और उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी स्टूडेंट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो अर्थमेटिक पोर्शन है इसमें जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो रहेगी, हम सबसे पहले अपना जो है वो अर्थमेटिक खत्म करेंगे, ठीक है। जो हम अर्थमेटिक है उसको हम सबसे पहले खत्म करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक ऐसा पोर्शन है कि अगर उसको हम स्टार्टिंग में बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो इसमें आपका सबसे ज्यादा लेंथी टॉपिक है वो है आपका मेंसुरेशन, वो क्या है आपका मेंसुरेशन। तो जो आपका टॉपिक है मेंसुरेशन, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये सबसे लेंथी है और इसके लिए टाइम भी हमें ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके इजी इजी टॉपिक्स हैं उनको हम फटाफट खत्म कर देंगे, सबसे पहले वो करेंगे हम, अर्थमेटिक कर देंगे, लीनियर इक्वालिटीज कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो आपके इजी टॉपिक्स हैं उसको हम सबसे पहले खत्म कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम जो करेंगे वो करेंगे हम मेंसुरेशन, क्योंकि इसमें आपके लेंथी लेंथी टॉपिक्स हैं, वॉल्यूम्स हो गया, कोण्स हो गया, क्यूबॉइड्स हो गया, स्फीयर्स हो गए। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये थोड़े लेंथी लेंथी टॉपिक्स हैं जिसमें हम फार्मूला के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं इनको हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा जो मैथ का डिस्कस था, इसमें जो जिसमें हमने असिस्टेंट कंपाइलर का मैथ का जो सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जो हमारा कोर्स है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो स्टूडेंट्स तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लो। तो ये था आज का मैथ का सिलेबस, थैंक यू सो मच।